Good morning, friends. Hi, friends. Currently, we are in Durgapur. Now, we are in Durgapur. Actually, we are coming here for interview. Our friend Monu is having interview in MVP. Let's see what is going to happen. We are playing positively. Let's see. I hope he is going to get the job. And after, I think, 2-3 years back, I visited here. And now, it's quite changed. Feeling good. After coming long time back. Bengal is always good. Yo, bro. Bhai. Le Monu. Boss. Boss. Please. भूख लगा क्या? यस भूख लगा या बहुत ज्यादा भूख लगा भाई? हाँ भाई बहुत ज्यादा। बहुत हुआ चलते आसनसोल, बहुत थक गए भाई, खाना खाएंगे घर जाके। एक अच्छा टाइम नहीं, खाना तो खा ही चुके हैं अमित। गोपाल मार्ट पेट्रोल पंप, थोड़ा पेट्रोल ले लेते हैं। पेट्रोल से चलता ना गाड़ी भैया, पानी से तो चलता नहीं है। 510 है। कैसा हवा चल रहा है भाई? काफी गर्म है, लेकिन हम लोग रिलीफ फील कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब गर्म लगने पे भी लोग कंफर्टेबल फील कर रहा है, चाह रहा कि और गर्म लगे और गर्म लगे। इसका रीजन यही है, सिर्फ कोरोना। तो जब से हम लोग सुने हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो शायद कोरोना का डर खत्म हो, तो एक नया उम्मीद जगा है। चाह रहे जल्द से जल्द गर्मी आए, और भगवान तो यहाँ फुल प्लानिंग बना के रखे हुए हैं। जैसे ही पता चला कि टेम्परेचर बढ़ने पे कोरोना सर्वाइव नहीं करेगा, तो बारिश भी तेज। हाँ, बिन मौसम बारिश, मार्च में कभी इतना बारिश हम लोग देखे भी नहीं। ठंडा भी फिर से आ गया, तो लगता है भगवान भी बदला ले रहे हैं। हम लोग जितना प्रकृति से खेले हैं, पे बैक करना होगा। अभी हाल में ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया वाला केस देखे। अभी आप देखिए कोरोना, अब लगता है कि पाप को खत्म करने के लिए भगवान का ये सब प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है। अब देखिए हम लोग में से कौन मरता है, कौन सबसे ज्यादा पापी है। दुर्गापुर से जा रहे घर हम लोग आसनसोल, पेट्रोल भरा है जोकर भी, और अमित पेप्सी में खाना खिलाया। बाप रे बाप, क्या खिलाता है इसको? हा? खिलाता क्या है? चिकन। हाँ, सुबह क्या खिलाता है? सुबह वही फल। क्या फल? फल खिलाता है। थोड़ा इधर आ, गंदा वहाँ, इधर आ जा गोल्डी, ठीक है। और दोपहर में क्या खिलाता है? दोपहर में वही चिकन भात। दोपहर में चिकन भात, और मॉर्निंग में फ्रूट, और शाम में क्या खिलाता है? शाम में वही भात चिकन। भात चिकन फिर? कितना चिकन खिलाता है यार? रोज रोज में तीन तो, दिन। और बाकी तीन दिन क्या खिलाता है? बाकी तीन दिन वही सब्जी और सब्जी। बाबू तू इतना कुछ खाता है दिन में? सोयाबीन बड़ी है और सब्जी, भात नहीं रहे? भात खाता है। मैंने भात हमेशा, मतलब चावल दोस्तों। ये वाला जो पोषण है ना, ये डाउन रहेगा ना, उतना अच्छा ब्रीड है ये जर्मन शेफर्ड। दौड़ने में अच्छा, वो उसका निशानी है। उसका कान क्यों गिरा हुआ भाई? एक वो गिरा सकता है अपने से, उसका जैसे मन रहेगा ना, मूड उसे वो कर सकता है, कान अपने इधर उधर हिला सकता है। झूठ नहीं बोल रहे हो ना? सच बोल रहे। जो बोलना सच बोलना, नहीं तो पुलिस आ जाएगा वीडियो देख के, अरेस्ट कर लेगा तुमको। ए जर्मन शेफर्ड का लाइसेंस
देखो आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ कार्ड दिलाया है। आओ क्या बोल रहे हो जोर से बोलो। आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को जर्मन शेफर्ड का लाइसेंस नहीं रख के जर्मन शेफर्ड घुमा रहे हैं। अरे तुम्हारे पास जर्मन शेफर्ड का लाइसेंस नहीं है? मैं इसका ये वो कार्ड होता है उसको हमेशा सुई दवा दिला उसमें जब देता है सुई दवा तो उसमें जो छाप रहता है ना सुई दवा का तो उसमें कागज में चिपकाता है उसका बाद में डिटेल होता है उसका। अच्छा मतलब मेडिकल कार्ड टाइप का है? पासवर्ड वैक्सीनेशन कार्ड है उसका पूरा डिटेल्स उसमें रहता है। अच्छा 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 तो उसका जो कार्ड रहता है उससे पूरा पता चल जाता है तीन महीने एक साल में पता चल जाता है कि वो इंडियन डॉग उसका पासवर्ड बनता है। अच्छा पासवर्ड बनता है इसका किसका भूल गया एकदम सच सच बताना नहीं तो पुलिस आ जाएगा। अरे आईडी कार्ड बनता है आधार कार्ड बनता है दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते हो तुम लोग? हाँ बहुत कम बारे जनरेशन ठीक है बाबू चलते हैं घर। हाँ।